रायबरेली के शिवगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरमपुर मजरे कबीराकला गांव में 20 वर्षीय युवती संदिग्ध परिस्थितियों में झुलस गई, जिसे परिजनों द्वारा आनंद फानंद में CHC बछरावा ले जाया गया, जहां पर युवती को करीब 90% चोसा देखकर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के पश्चात युवती को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक भैरमपुरा गांव के रहने वाले सुरेंद्र कुमार की 20 वर्षीय पुत्री रीता घर में अकेली थी। सुरेंद्र कुमार बछरावा मजदूरी करने गए थे। वहीं युवती की मां कमलेशा मवेशियों को पानी पिला रही थी, तभी घर से उठता धुआं एवं चीख पुकार सुनकर दौड़े लोगों ने किसी तरह जलती युवती को आग से बचाया, किंतु तब तक युवती बुरी तरह झुलस चुकी थी, जिसे परिजनों द्वारा आनंद फानंद में एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछरावा ले जाया गया, जहां पर युवती की हालत नाजुक देखते हुए प्राथमिक उपचार के पश्चात युवती को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। मामले में चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि युवती करीब 90% जल चुकी है, जिसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। वहीं खबर लिखे जाने तक युवती के आग से झुलसने के कारणों का पता नहीं चल पाया। इस बाबत जब शिवगढ़ थाना इंचार्ज वीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि CHC बछरावा से सूचना मिली थी। परिजनों से अभी तक किसी प्रकार की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। आइए देखते हैं रायबरेली से SK इंडिया न्यूज के लिए रजनीकांत अवस्थी की रिपोर्ट। आप कहाँ थे? क्या नाम है आपका? आप लड़की के क्या पिता है? क्या जानकारी थी आप? हमको क्या जानकारी हुई कि ये घर में थी और अब हम घर तक पहुँचे नहीं तो क्या बताएं? अच्छा, हाँ घर नहीं पहुँचे, हमको बस राय में थे ना। क्या मालूम कर रहा आपको? अब हमको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या हाल है पेशेंट के जले हुए? पेशेंट की हालत बहुत नाजुक थी, पेशेंट यहाँ अस्पताल में लाई गई है, 90-95% तक जल चुकी है, पूरी बॉडी पूरी तरह झुलस चुकी है, इस केरोसिन की स्मेल आ रही है। पेशेंट की हालत बहुत नाजुक थी, इसको प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल लाइब्रेरी के लिए भेजी है।